स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको कॉलिंग अलर्ट, एसएमएस अलर्ट। अगर आप यामाहा FZX के साथ लॉन्ग टूर करते हो तो आपको बैक पेन का डर नहीं रहेगा। VS6 कंप्लायंट ब्लू कोर इंजन देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ वाला एडिशन आपको 1 लाख। हेलो एवरीवन, दिस इज ओमकरनाथ एंड यू आर वाचिंग नाउ अबाउट योर मशीन। आज हम जिस बाइक के बारे में बात करने जा रहे हैं, यामाहा ने रिसेंटली इंडियन मार्केट में इसको लॉन्च किया हुआ है, तो आइए जानते हैं यामाहा FZX के बारे में। लुक्स को एनहेंस करने के लिए यामाहा ने बाइक को रेट्रो लुक्स के साथ लॉन्च किया हुआ है और तो और उसी के साथ स्मार्ट फीचर्स को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है यामाहा ने। ओवरऑल लुक्स की बात किया जाए तो मुझे लगता है यामाहा FZX कहीं ना कहीं यामाहा RX 100 की अपग्रेडेड वर्जन है। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइटिंग्स। फ्रंट में आपको LED DRLs के साथ LED हेडलैम्प और हेलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है और रियर में स्लिक LED टेल लैम्प के साथ हेलोजन इंडिकेटर्स भी देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो यामाहा FZX में आपको नेगेटिव LCD विद स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल कंसोल देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, टेकोमीटर और फ्यूल गोज देखने को मिल जाता है। और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको कॉलिंग अलर्ट, SMS अलर्ट, कनेक्शन स्टेटस और मोबाइल बैटरी स्टेटस देखने को मिल जाता है। और तो और बाइक में लेफ्ट राइट इंडिकेटर, लो बीम, हाई बीम, इंजन मलफंक्शन और ABS इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के ठीक नीचे आपको पावर सॉकेट देखने को मिल जाता है, जहां से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चार्ज कर सकते हो। हैंडल बार की बात करें तो यामाहा FZX में आपको अपर राइट हैंडल पोजीशन देखने को मिल जाता है, तो अगर आप यामाहा FZX के साथ लॉन्ग टूर करते हो तो आपको बैक पेन का डर नहीं रहेगा। लेफ्ट हैंडल बार की बात करें तो बाइक में आपको पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम, हेडलाइट ऑन ऑफ बटन, लेफ्ट राइट इंडिकेटर और हॉर्न स्विच देखने को मिल जाता है और उसी के साथ आपको राइट हैंडल बार में इंजन किल स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच देखने को मिल जाता है। फ्यूल टैंक की बात करें तो यामाहा FZX में आपको 10 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है और उसी के साथ माइलेज की बात करें तो बाइक में आपको 40 से लेकर 55 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देखने को मिल जाती है। इंजन की बात करें तो बाइक में आपको 149 सीसी की 4-स्ट्रोक 2-वाल्व व्हर्लपूल सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड VS6 कंप्लायंट ब्लू कोर इंजन देखने को मिल जाता है, जो आपको 12.4 PS की मैक्सिमम पावर और 13.3 न्यूटन मीटर की मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करके दे सकती है। गियरबॉक्स की बात करें तो यामाहा FZX में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन वाला गियरबॉक्स देखने को मिल जाता है, जो आपको फिफ्थ गियर में 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड निकाल के दे सकती है। सस्पेंशन की बात करें तो यामाहा FZX में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन विद फ्रंट फोर्क बूट और रियर में 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाता है। ब्रेकिंग की बात करें तो यामाहा FZX में आपको डुअल डिस्क के साथ सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाता है। सीट हाइट की बात करें तो बाइक में आपको 810 mm की सीट हाइट देखने को मिल जाती है, तो अगर आपका हाइट 5.5 से ऊपर है तो ही आप यामाहा FZX के साथ जा सकते हो। और तो और 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 139 kg की कार वेट भी देखने को मिल जाती है। और तो और यामाहा FZX में आपको राउंड शेप एग्जॉस्ट, ओपन चेन, बॉक्स टाइप स्विंगम, 2 लेवल ऑफ सीट्स, साड़ी गार्ड और पिलियन ग्रैब रेल्स भी देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करें तो यामाहा FZX विदाउट ब्लूटूथ एडिशन आपको 1,16,800 की एक्स शोरूम प्राइस में देखने को मिल जाती है और उसी के साथ 1,33,068 की ऑन रोड प्राइसिंग में देखने को मिल जाती है। और तो और ब्लूटूथ वाला एडिशन आपको 1,19,800 की एक्स शोरूम प्राइस में और 1,36,068 की ऑन रोड प्राइस में भी देखने को मिल जाती है। सो आई होप कि मैं सारी टॉपिक अच्छे से कवर कर पाया हूँ। फिर भी अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे बता देना। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नया हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख सकते हो, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।